का मतलब है कि दिल्ली पुलिस का कहीं ना कहीं कोई ऐसा राज है जो ये लड़की जानती थी, और दिल्ली पुलिस पूरी की पूरी इस कांड में उतनी ही मुलविस है जितना SDM मुलविस है, जितना ज्योति मुलविस है। और दिल्ली पुलिस हमेशा मुजरिमों को जिस तरह बचाती साफ नजर आती, वैसे ही यहां पर भी दिल्ली पुलिस इसको बचाती हुई साफ नजर आ रही बहुत सारी। उसके अलावा आप एक देखिए कि जिस तरह हरियाणा में इस लड़की की लाश को डाला जाता है, ले जाके डाला जाता है, वहां पर सिर्फ इस लड़की की लाश मिलती है, कोई चाकू नहीं मिलता, कोई प्रूफ नहीं मिलता। लड़की का आज तक मोबाइल मिस है, पर्स मिस है, तो डेड बॉडी तो इनको मिल गई। डेड बॉडी कैसे मिल गई, आपको कैसे पता चला कि डेड बॉडी यहाँ पड़ी है? हरियाणा पुलिस को कैसे पता चला कि अरावली के पहाड़ पर वहां पर इसकी सैफी की डेड बॉडी पड़ी है, राबिया सैफी की डेड बॉडी पड़ी है? तो राबिया सैफी का मोबाइल कहाँ है, राबिया सैफी का पर्स कहाँ है, राबिया सैफी की और चीजें कहाँ है, वो अभी तक किसी को नहीं पता। कितना जबरदस्त इन्होंने रायता फैलाया, राबिया सैफी किस स्टेट की, राबिया सैफी दिल्ली की, राबिया सैफी सेल्फ डिफेंस में काम करती थी, सेल्फ डिफेंस पुलिस के अंडर में काम करता था। राबिया सैफी को कत्ल करके दूसरी स्टेट हरियाणा में फेंक दिया जाता है, अब यहां दो स्टेटों में रायता फैला दिया। अब राबिया सैफी का एक जिन निकल कर आता है, एक आदमी निकल कर आता है जो कहता है मेरा नाम निजाम है और ये मेरी बीवी थी। वो कहां पर जाकर सरेंडर करता है, वो नोएडा में जाकर सरेंडर करता है, यानी तीसरी स्टेट भी इसमें मर्ज कर दी गई। यानी रायता इतना जबरदस्त फैलाया गया कि आप सुलझाते सुलझाते इन गोटियों को आप सही जगह ना रख पाए, आप ये धागे ऐसे उलझा दिए कि आप इनको सुलझाना भी चाहे तो ना सुलझा गए। इसमें हाई प्रोफाइल लोग, इसमें सरकार शामिल है, इसमें केजरीवाल मामू जान शामिल है, जो कुछ नहीं कर रहे। मामू जान का एक डायलॉग बहुत जबरदस्त है कि पुलिस हमारे हाथ